So hi friends, I hope you all are doing well. I welcome you all in this today's session. So today, basically, we have got three important notifications that we are going to discuss with you. And the notifications are notifications have come today, and they are very important for taxpayers because they are related to GST amnesty scheme and revocation of cancellation of GST number. So first, let us go to the first notification, that is notification number 32, जो कि आज आया है. तो as per this notification, सबसे पहले तो आप समझिए, जब आप GSTR 1 या 3 भी फाइल करते हैं कंपनी के केस में, तो आपको जब वो रिटर्न फाइल करके आप साइन कर रहे होते हैं, सबमिट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आपको जो साइन करना होता है वो आपको थ्रू डिजिटल सिग्नेचर करना होता है. लेकिन कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने ये रिलैक्सेशन दिया था कि आप डिजिटल सिग्नेचर ना यूज करके आप ईवीसी यूज कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड यूज कर लीजिए. तो अब इसमें क्या एक रिलैक्सेशन था, तो ये रिलैक्सेशन जो था वो 31 अगस्त था, इसको बढ़ा दिया गया है. अब आपका जो रिलैक्सेशन है वो 31 अक्टूबर तक कर दिया गया. तो अब आप 31 अक्टूबर तक ईवीसी यूज करके अपनी रिटर्न को साइन कर सकते हैं. तो ये तो थी पहली आपकी नोटिफिकेशन. अब जो दूसरी नोटिफिकेशन आई है, एज पर दिस नोटिफिकेशन, अब आपकी जीएसटी एमनेस्टी स्कीम के टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया है. अब इसको 30 नवंबर तक कर दिया गया है. तो पहले ये 31 अगस्त था. एंड इन द एमनेस्टी स्कीम, अगर आपने पुरानी जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं की है, तो उनको आप रिड्यूस लेट फीस पे फाइल कर सकते हैं. अब एमनेस्टी स्कीम का जो बेनिफिट है, वो जो बेनिफिट है, एक कुछ आपके सेक्टर ऑफ सेगमेंट ऑफ टैक्स पेयर थे जिनको नहीं हो रहा था, जो कि जिनका नंबर कैंसिल कर दिया था सरकार ने ड्यू टू नॉन फाइलिंग. अब उनकी उनके साथ हुआ क्या कि पहले तो किसी वजह से वो अपने रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाए, उसके बाद क्योंकि उसके ऊपर बहुत अच्छी खासी लेट फीस लग रही थी, तो क्योंकि वो रेवोकेशन में अप्लाई करने से पहले आपको अपनी रिटर्न्स पहले सारी फाइल करनी पड़ती है, तो क्योंकि अच्छी खासी लेट फीस लग रही थी तो वो पुरानी रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाए और रेवोकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाए. फिर क्या हुआ कि जब जीएसटी एमनेस्टी स्कीम आई, तो सरकार ने एमनेस्टी स्कीम तो दे दी, लेकिन यहाँ पे उनको रेवोकेशन का उनका जो टाइम पीरियड था वो निकल गया. वहां पे उनको पहले कोई रियायत नहीं दी गई. अब नोटिफिकेशन नंबर 34 आया है, जिसमें बोला कि अब आपकी जो रेवोकेशन है, अगर आपकी रेवोकेशन का टाइम पीरियड 1 मार्च 2020 से लेके 31 अगस्त 2021 के बीच में पड़ रहा है, तो अब आप जो एप्लीकेशन है वो अप टू 30 सितंबर आप सबमिट कर सकते हैं. तो डाओ फर्स्ट एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लीजिए, रिड्यूस रेट पे अपनी जीएसटीआर 3 भी फाइल कीजिए, जो भी आपकी पुरानी रिटर्न है वो फाइल कीजिए, उसके बाद आप रेवोकेशन के लिए अप्लाई कीजिए. आप 30 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं. अब आपको आगे एप्लीकेशन में जाने की जरूरत नहीं है. ये जो नोटिफिकेशन है ये आ जाया है. सो फ्रेंड्स, दीज वर द नोटिफिकेशन जो कि मैंने आपके साथ वीडियो में डिस्कस किए. अगर आपको ये नोटिफिकेशन पढ़ने, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ये नोटिफिकेशन डाल दिए जाएंगे. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे.